पेपर लीक को लेकर केंद्र सरकार नया बिल लेकर आएगी। सोमवार को लोकसभा में यह बिल पेश किया जाएगा। पेपर लीक में दोषी पाए जाने पर 5,00,000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। वहीं दोषी को 1 से 10 साल तक की सजा भी हो सकती है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं, मेरे सहयोगी रविंद्र हमारे साथ जुड़ गए। रविंद्र, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? आज राष्ट्रपति अभिभाषण में भी इस चीज का को लेकर जिक्र किया गया था। हम एक बार फिर रविंद्र का रुख करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको इस समय की बड़ी खबर बता दें, कई राज्यों के अंदर पेपर लीक एक बड़ी समस्या के तौर पर सामने आया है। इस मामले को लेकर केंद्र सरकार का रुख आज राष्ट्रपति अभिभाषण में भी देखने को मिला था, और उसके बाद अभी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि इस बजट सत्र में सरकार इस मामले को लेकर बिल लेकर आएगी और सोमवार को लोकसभा में यह बिल पेश किया जाएगा। एक बार फिर रुख करते हैं, मेरे सहयोगी रविंद्र हमारे साथ जुड़ गए। रविंद्र, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? आज इसका जिक्र राष्ट्रपति अभिभाषण में भी किया गया था, लेकिन यह बिल क्या कुछ प्रावधान लेकर आएगा? जिस तरह से राजस्थान, हरियाणा, बिहार, यूपी, एमपी कई जगहों पर पेपर लीक से छात्रों का भविष्य खराब हो रहा था, उसको देखते हुए मोदी सरकार एक इसको प्रिवेंट करने के लिए बिल लेकर आ रही है, जिसका नाम होगा पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मिन बिल। इसमें सबसे बड़ी बात है प्रणय कि जो इसमें क्राइम में लगे रहेंगे उनको 3,00,000 से 5,00,000 तक का जुर्माना होगा, लेकिन उससे भी बड़ी बात है जो ऑर्गेनाइज क्राइम करेंगे, यानी बड़े लेवल पर जो क्राइम करते हैं, पेपर लीक करते हैं, एक स्टेट दूसरे स्टेट मल्टी स्टेट में करते हैं, वैसे ऑर्गेनाइज क्राइम करने वालों पर 1,00,00,000 रुपया तक का जुर्माना होगा और 1 साल से 10 साल तक की सजा का प्रावधान रखा है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए रविंद्र। तो जाहिर तौर पर इसे संगठित अपराध की श्रेणी में लाने की कोशिश होगी और सख्त प्रावधान किए जाएंगे। Zee News.